हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है मॉर्निंग का, सुबह का टाइम और काफ़ी ठंडा है। एक दो दिन से और ज़्यादा ठंड बढ़ने लग गई है क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाले हैं, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह दिन में भी बहुत होने लग गई है। दिन में धूप बहुत हल्की सी निकलती है, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, तो काफ़ी ठंडा हो गया। पूरी ठंड है, अच्छा है, ठंड भी होनी चाहिए। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह का लंच स्कूल के लिए। तो मेरी राजमा की सब्जी है जो वो बन रही है, और इधर बना रही हूँ पराठे। तो बस स्कूल की ही सुबह सुबह, तो सभी को स्कूल की ही जल्दी होती है। तो बस इन लोगों का लंच तैयार करने के बाद फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। अब स्कूल भी एक दो दिन में बंद होने वाले हैं क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां पड़ेंगी। तो बस एक दो दिन के स्कूल और हैं, फिर छुट्टियां हो जाएंगी। तो मैंने अपनी चाय रख दी है बनने के लिए, और इनका लंच पैक करने के बाद मैं पीऊँगी अपनी चाय। सुबह की मेरी झाड़ू एक बार तो लग चुकी है क्योंकि स्कूल के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। जैसी भी लगाती हूँ जल्दी जल्दी लगानी पड़ती है, सुबह तो जल्दी ही होती है काम की, इसलिए। तो अभी बिस्तर वगैरह सब भी पड़े हुए हैं मेरे ऐसे। तो मेरी चाय हो गई है, बन गई है, तो मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद लगूँगी काम में। तो अभी दिखाती हूँ आपको, सारे बिस्तर हैं जो वो बेड पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। सभी के घरों में ऐसे ही होता है, सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं तो जल्दी जल्दी काम में यही सब होता है। तो ये सारे बिस्तर हैं, सारे आके बेड पे पड़े हुए हैं, और चाय पीने के बाद मैं इन्हें रखूँगी। तो बिस्तर तो मैंने रख दिए हैं, और मुझे बेड की चादर चेंज करनी है, तो दूसरी चादर लगानी है बेड पर। तो इस बेड को मैं थोड़ा सा ये गद्दे वगैरह हटा कर और इसमें हल्का सा गीला कपड़ा मार कर इसकी जो डस्ट वगैरह होगी उसे साफ़ कर दूँगी। हल्की हल्की हो जाती है डस्ट गद्दों के नीचे भी, तो बस इन्हें साफ़ कर दूँगी और उसके बाद मैं बेडशीट लगाऊंगी। और आप लोगों से कहना चाहूंगी, सीमा फूड एंड ब्लॉग को ज़रूर सपोर्ट करें, और उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार अपने चैनल पर उनके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सपोर्ट मांग रही हूँ सीमा एंड फूड ब्लॉग को, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इतना परेशान है कुछ कहने को नहीं। अब मैं तो बोलकर ही बता सकती हूँ कि वो कितना परेशान है, लेकिन वो उस परेशानी को झेल रही हैं, तो ये वही जानती हैं कि वो कितना परेशान है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर से सीमा एंड फूड ब्लॉग को सपोर्ट करें। जो भी मेरे चैनल पर आते हैं फ्रेंड मेरे, तो वो उनके पास भी जाएं और उन्हें भी सपोर्ट करें, वो भी आपको रिटर्न करेंगी। तो क्योंकि उन्हें अभी वीडियो बहुत कम डाल रही हैं, क्योंकि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है। उन्हें अपना जो जिस मकान में पहले रहती थी ना, वो उन्हें खाली करना है, तो एक दो दिन में बस वो खाली कर देंगी, दूसरे मकान में पहुँचेंगी। तो इतनी परेशान है मकान को भी लेकर और बच्चों की फ़ीस वगैरह को भी लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि अभी उन्हें बच्चों की फ़ीस भी नहीं हुई है पूरी। तो देखो क्या होता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ शायद हो जाए उनका। तो प्लीज़ अभी तो वो ब्लॉग वगैरह बहुत कम बना पा रही हैं, क्योंकि उन्हें मकान वगैरह शिफ्ट करना है, दूसरा लेना है,
तो वो जब अपना मकान वगैरह शिफ्ट कर लेंगी उसके बाद वो फिर डेली ब्लॉग डालना स्टार्ट करेंगी। तो अभी तो वो बहुत कम ब्लॉग बना रही हैं, 8 दिन में एक ब्लॉग आता है उनका। और मैं उनके कमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ, तो जो भी मेरे फ्रेंड मेरे उस पर आए और तो वो ज़रूर सीमा एंड फूड ब्लॉग को जाकर सपोर्ट करें। और आप कमेंट बॉक्स से उनके चैनल पर जा सकते हो, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, रिटर्न में आपके पास आएंगी। तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी फ्रेंड मेरे पास आते हैं तो वो प्लीज़ उनके पास जाना ना भूलें और उनको ज़रूर सपोर्ट करें। तो मेरी बेड की तो ये बेडशीट मैंने लगा दी है और इसके बाद मुझे झाड़ू लगानी है दोबारा, क्योंकि सुबह एक बार तो झाड़ू लग चुकी है और सुबह जल्दी जल्दी ही झाड़ू लगती है। तो अब दोबारा से अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। ये वाली बेडशीट है जो मेरी, देखने में तो पतली है पर ये गर्म है, गर्म वाली है तो काफ़ी अच्छी है सर्दियों में। और मैं ले रही हूँ पोछे के लिए पानी, तो ये गर्म पानी किया था मैंने, तो वही मैंने थोड़ा पोछे के लिए निकाल लिया है। और थोड़े सा ज़्यादा कपड़े नहीं हैं आज, ज़रा से ही कपड़े हैं, थोड़े ही हैं, तो बस मैं थोड़ा सरफ पानी में डाल दूँगी उन्हें। क्या है, सरफ पानी में डाल दूँगी तो वो थोड़ी ही देर में अच्छे से उनका जो मैल है वो कट जाएगा, तो अच्छे से साफ हो जाएंगे। और इन दिनों में गर्म पानी से ही पोछा लगाती हूँ क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और टंकियाँ हैं जो पानी की खुले में होती हैं तो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। और हमारे यहाँ तो वाटर बॉक्स वाला ही पानी आता है तो वो बहुत ठंडा होता है। और जिनके मतलब नीचे ज़मीन का पानी आता है तो वो ताज़ा पानी निकालो तो वो उतना ठंडा नहीं होता है जितना मतलब वाटर वर्क्स वाला पानी ठंडा होता है। तो मैं पोछा वगैरह है जो और कपड़े वगैरह है, तकरीबन सारा काम है जो पानी का मैं गर्म पानी से ही करती हूँ इन दिनों में। तो मेरा पोछा है वो हो चुका है इधर का, और अब मेरे थोड़े से कपड़े हैं बस, वो जाके धो लूँगी। तो बाथरूम का ही काम रह गया है बाकी, और यहाँ का हो गया।